स्वागत है। तो आज बनाऊंगी इटली की बहुत ही फेमस अल्फ्रेडो पास्ता बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से। तो चलिए रेसिपी मेरे साथ शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं मेरे साथ। तो यहाँ मैंने लिया है पेनी पास्ता, ये 2 कप है। आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चलिए इस पास्ते को पहले हम उबाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैन में पानी गरम किया है, उसमें नमक और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे हम पास्ता को और इसे फिर नीचे से चला देंगे। कभी कभी पास्ता हमारे नीचे लग जाते हैं, तो इस तरह से 1-2 बार टर्न करेंगे और इस तरह से उबाल आने देंगे पास्ते को। और कैसे उबालेंगे इसको हम, तो इतना ही उबालेंगे जितना कि ये अच्छी तरह से कट जाए। और ज़्यादा उबाल देंगे तो फिर ये क्रीम में भी पकना है अभी से, तो हम इसे इतना ही पकाएंगे कि इस तरह से कट जाए, ज़्यादा गले नहीं। तो इस तरह से पास्ता हमारा गल के तैयार है और फिर हम इसे छान लेंगे और इसके बाद इस पर हम लगा देंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ताकि पास्ता हमारे चिपके नहीं एक दूसरे में। बहुत लोग इसे धुल देते हैं लेकिन धुलना नहीं चाहिए क्योंकि स्वाद इसका ख़राब हो जाता है धुलने से पास्ता को। फिर इसे फैला देंगे एक थाली में और फिर इस तरह हम बनाएंगे पास्ता को। और यहाँ जो पास्ता का पानी है उसे फेंकना नहीं है, इसका भी यूज़ हम करेंगे पास्ता बनाने में, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने पैन में ऑलिव ऑयल गरम किया है 1 चम्मच, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और 2 से 3 क्यूब बटर लेंगे और बटर को पिघल जाने के बाद सर्विंग स्पून से 1 चम्मच लहसुन को बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है, तो मैंने इसे चॉपर से कट किया है तो ये बहुत ही बारीक कट जाते हैं। और इसे बटर में मिक्स करें और लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे क्योंकि लहसुन को हमें जरा भी गुलाबी नहीं करना है। और फिर 2 प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है और इसे भी हम डालकर इस तरह ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। हमें इसे पकाना जलाना बिल्कुल नहीं है या फिर लाल भी नहीं करना है, तो फ्लेम को हमेशा ही स्लो रखेंगे। तब तक हम कट कर लेंगे मशरूम को। तो यहाँ मैं मशरूम डाल रही हूँ, आप अगर इसमें ब्रोकली बेबी कॉर्न जो भी डालना चाहें सब्जियाँ डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें मशरूम ही डाल रही हूँ क्योंकि मुझे मशरूम बहुत पसंद है। तो चलिए इसे मशरूम को हम कट करते हैं। तो इस तरह से पतले पतले मशरूम को हम कट कर लेंगे और उसके बाद हम जब हमारे प्याज इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए तब इसमें हम डालेंगे अपने ये मशरूम को और फिर मशरूम को भी हम पकाएंगे इसी में चला करके और ढक करके पकाते हैं। जब तक ये इसका पानी सूख नहीं जाता है तब तक हमें मशरूम को पकाना है। तो फिर से हम 1 क्यूब बटर डालेंगे और मशरूम को अच्छी तरह से हम इसी में पकाएंगे पैन में ही और इसे ढक देंगे ताकि इसका पानी निकले और पानी सूख जाएगा तब तक इसे हमें पकाना है। तो देखिए कितना पानी निकला है मशरूम से और ये सारे पानी सुखाने हैं हमें क्योंकि मशरूम को थोड़ा सा भुनना है। तो फिर ढक दूंगी मैं और ये हमारे जो है मशरूम पक करके तैयार हो रहे हैं। तो पानी सूख रहा है, अब इसे खोल करके इसी तरह ढक्कन और मैं इस तरह से भून लूंगी मशरूम को। ये देखिए पानी बिल्कुल सूख गया है मशरूम का और अच्छी तरह से भून करके तैयार हो गए हैं। तो इस समय हम डाल देंगे इसमें अमूल ये क्रीम जो मैंने लिया है 1 डब्बा, तो पूरा 1 डब्बा क्रीम इसमें जाएगा 2 कप पास्ता में। और इसमें जो भी क्रीम बचा है उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और डाल करके इसे मैं मिक्स करके डाल दूंगी क्योंकि मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती हूँ। ये देखिए इस तरह से डब्बे में पानी डाल करके मैंने धुल करके डाल दिया है और ये क्रीम हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो ये क्रीम मिक्स हो रही है और उबाल भी आ रहा है अच्छी तरह से क्रीम में। और अब इसमें हम डालेंगे यहाँ 1 कप पास्ता का जो पानी मैंने बचा के रखा था वो हम डालेंगे अब, क्योंकि क्रीम हमारी थोड़ी थिक हो गई थी और उबाल आने लगा है क्रीम में। इसमें हम डालेंगे पास्ता सीजनिंग, चिली फ्लेक्स, फ्रेश कुटी काली मिर्च और इसे मिक्स करेंगे। तो ये तैयार हो रहा है हमारा बहुत ही सीजनिंग अच्छी तरह से, जो पास्ते भी हम डालेंगे। और यहाँ मैंने 4 से 5 क्यूब चीज़ को अच्छी तरह से ग्रेट करके डाल दिया है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चीज़ को पिघलने तक। और फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, पास्ता वाला ही डालेंगे पानी, इसलिए डालते हैं पानी क्योंकि पास्ता जो है हमारी क्रीम के साथ अच्छी तरह से पके और क्रीम का जो फ्लेवर है वो पास्ते में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर यहाँ टेस्ट करके नमक डालेंगे क्योंकि पास्ता में भी नमक था और इसमें सीजनिंग में भी थोड़ा थोड़ा नमक होता है। फिर पास्ता डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और फिर इसे हम ढक करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। तो यहाँ मैंने ढक दिया है, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और स्लो फ्लेम पर पक चुका है पास्ता हमारा, बहुत ही क्रीमी तैयार है। तो इसे गर्मा गर्म सर्व करें और ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से पास्ता मैंने बनाया है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा मेरी रेसिपी को और मेरी रेसिपी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप क्या देखना चाहते हैं रेसिपी में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।